नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। कल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को जेल से रिहा कर दिया गया, उसके बाद पप्पू यादव के समर्थकों में खूब खुशी थी। आज हमारी एक सहयोगी ने शिवनंदन भारती से खास बातचीत की है, उसके अंश आपके सामने हैं। दरअसल आपका जो मूल प्रश्न ये है कि क्या इस बार जो वो चुनाव लड़ेंगे, अभी पप्पू यादव जी का जो अभी रिहाई हुआ, बाइज्जत बरी किया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा, तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति जो जिनको सजा हुई होती है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और सजा में भी है, गंभीर नेचर का सवाल होता है, उसके तहत वो देखा जाता है, 4 साल का सजा है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इनका जहाँ तक सवाल है कि वे बिल्कुल बाइज्जत बरी की गई है उनको कोर्ट के द्वारा, और इल्ज़ाम किसी पर लगा देना, जब कभी भी लोग जैसे महात्मा गांधी के ऊपर भी जेल गए, आप अन्य भगत सिंह भी जेल गए, अनेकों लोग जेल गए, जब सामाजिक काम आप करते हैं तो केस मुकदमा दाव पेंच ये राजनीति का हिस्सा होता है, और कानून जो होता है, कोर्ट जो होती है, वो वहाँ पर सभी चीज़ों को निष्पक्षता से जांच करने के बाद तमाम सबूत और गवाहों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी और किसी व्यक्ति को जो है सो रिहाई की बात की जाती है। तो इस दौर में पप्पू यादव जी को बाइज्जत बरी की गई है, इसीलिए कानूनी तौर पर उनके चुनाव लड़ने में कोई दाव पेंच नहीं है, वो बिल्कुल स्वच्छ छवि के हैं और वो चुनाव जो है सो लड़ने के लिए बिल्कुल योग्य हैं और वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई कानूनी दाव पेंच नहीं है। और जहाँ तक रही बात कि इस दौर में वो जो गए जेल में रहने की जो उनकी मुसीबत थी, चूँकि कोरोना काल में कोर्ट में बंद था, नंबर बहुत ज़्यादा था, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा केस की थी, इसी वजह से इतना टाइम लगा, लेकिन देर से ही सही न्याय उनको मिल चुकी है और वो चुनाव में बिल्कुल अच्छे तरीके से वो एक कैंडिडेचर के तौर पर अपना दावेदारी ठोक सकते हैं। देखिए, आरोप तो अब ख़त्म हो चुका है, न्यायालय ने कह दिया कि आप निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, और न्यायालय ने उनको जब बेगुनाह साबित कर दिया, कह दिया, तो अब वो कोई जो विपक्षियों के द्वारा जो ये सब बातें बनाई जाएगी तो उस सबका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर, क्योंकि कानून के तौर पर वो कानूनी तौर पर वो निर्दोष आज के डेट में साबित हो चुका है उनका। उनके ऊपर कोई समर्थन करेगी, कौन सी पार्टी टिकट देगी, कौन से लोगों का समर्थन होगा, ये राजनीतिक पहलू है, और मैं एक एडवोकेट होने के नाते उनका केस देखता, कानूनी दाव पेंच क्या होगा इस पर मैं आपको बता सकता हूँ, राजनीतिक तौर पर क्या होगी इसके लिए जो है सो उनके जो पॉलिटिकल प्रवक्ता वगैरह हैं वो लोग आपको बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। जैसे कि आपको बता दें कि पप्पू यादव की जेल से रिहा होने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग अब तय हो चुका है कि पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे और तारापुर के विधानसभा सीट से लड़ने जा रहे हैं, जिस पर भी स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि अब चुनाव लड़ने में कोई दाव पेच नहीं है, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है और उनको पूरी तरह से छूट मिल चुकी है कि अब वो राजनीति में पूरी तरीके से यानी कि पहले की तरह सक्रिय हो सकते हैं। बहरहाल, आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।